फ्रेंड, मैं हूँ सुनीता जोशी। आप सबका मेरे चैनल सुनीता प्रदीप जोशी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल आलू गोभी की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप लंच में, डिनर में और बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना सकते हो और बहुत ही शानदार बनकर ये तैयार होगी। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम गोभी ली है। इन्हें धोकर और इस तरीके से बड़े टुकड़ों में काट लिया है और देख लिया है कि इसमें कुछ है तो नहीं, कीड़े वगैरह, और इसे साफ़ कर लिया। और मैंने दो आलू को इस तरीके से काट कर पानी में डाल दिया है ताकि ये काले ना पड़े। तो हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे एक चम्मच घी। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें गोभी जो हमने सूखा रखी है उसको डाल देंगे और तो 5 से 10 मिनट तक इसको चलाएंगे। लेकिन मानिए, सब्जी इतनी टेस्टी लगती है कि आपके घर के सभी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि ये सब्जी कैसी लगी आप लोगों को, ये मुझे ज़रूर बताना। तो इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और एक चुटकी भर के हल्दी, ताकि हमारी गोभी जो है वह फीकी ना लगे बनने पर और इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आएगा। इसको देखिए, 5 से 10 मिनट तक हमने रोस्ट कर लिया है, हमारी गोभी रोस्ट हो गई है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे हम। ये देखिए, हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। आप इस तरीके से बनाइएगा, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर एक चम्मच घी और डालेंगे और आलू को भी इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। आपको ज़्यादा नहीं पकाने हैं आलू, बस 80% तक ही इसमें पकाना है हमें, ताकि रोस्ट हो जाए। बस जिस तरीके से हम पनीर की सब्जी में बनाते हैं ना, उसी तरीके से इसमें भी चुटकी भर नमक और हल्दी डालना है। और इसे हिलाते हुए ये देखिए इस तरीके से बस लाइट ब्राउन हो जाए, इतना ही हमको इसे पकाना है। बहुत ही शानदार सी खुशबू आती है जब हम आलू और गोभी को इस तरीके से पकाते हैं घी में, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगते हैं ये। आप इस तरीके से सूखी सब्जी भी बना सकते हो घी में आलू गोभी की, बहुत ही शानदार सब्जी बनकर तैयार होगी। तो हमने बर्तन में निकाल दिया है। अब कुकर में हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया है तब 1 चम्मच जीरा डालेंगे, आधी चम्मच राई डालेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 तेज़पत्ता, 1 फूल। अब यहाँ पर डालेंगे हम 4 से 5 काली मिर्ची और 2 लौंग लिए मैंने, ये ऑप्शनल है। और इसमें डाल ली हमने दालचीनी, 2 इलायची डालेंगे, हरी इलायची, आपके पास बड़ी इलायची हो तो वो डाल सकते हो। और यहाँ पर मैंने 5 से 7 लहसुन की कलियों को क्रश करके डाल दिया है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। लहसुन जब हमारे लाइट ब्राउन हो जाए तब अदरक और इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, 1 बारीक कटी हुई। और उसके बाद डालेंगे यहाँ पर 2 प्याज चॉप कर रखे हैं मैंने, वो डाल दें। इसे बारीक पेस्ट कर लिया है, बस एक बार मिक्सर में चलाया है और बिल्कुल पेस्ट जैसा नहीं किया है, दरदरा रखा है मैंने इस तरीके से, ये देखिए। और इसको चलाते रहेंगे, लाइट ब्राउन हो जाए जब हमारे प्याज से तेल छूटने लग जाए। इसमें बेसिक मसाला डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसको मिक्स करेंगे। इससे हमारी ग्रेवी में बहुत ही शानदार कलर आएगा। अब हमने 2 टमाटर की ग्रेवी बनाकर इसमें डाल देंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब टमाटर अच्छे से भुन जाए तब इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे, ये देखिए। इसको बीच बीच में हिलाते रहें ताकि ये चिपके नहीं। अब टमाटर अच्छे से पक गए हैं, देखिए तेल छूट गया है। तो इसमें 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर। इस सब्जी में काली मिर्च का पाउडर बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको भी अच्छे से भुनेंगे मसालों को। मसालों की अच्छी सी खुशबू आ गई है। अब 1/2 चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, जो टमाटर का हमने पीसा था वो वाला, ये मैंने 1 चम्मच ही डाला है। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसी तरीके से आप सूखी सब्जी भी बना सकते हो। ये मैं रस्से वाली सब्जी बना रही हूँ, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अब यहाँ पर गोभी और आलू दोनों को ऐड कर देंगे, मसाले अच्छे से भुन जाए जब। 5 से 10 मिनट बाद हम इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक हमको इसी तरीके से पकाना है, इसमें आलू गोभी को मिक्स करते हुए। देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करके, और इसको अभी हमें
ढक्कन नहीं लगाना है, बस इसको इसी तरीके से हिलाते हुए आलू गोभी को और मसालों को अच्छे से भुनना है एक दूसरे के, ताकि इनमें मसाले अच्छे से आ जाए। आप चाहे तो गोभी को इसी तरीके से रख के इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसको ढक्कन लगा सकते हो, ताकि ये सब्जी सूखी भी इसी तरीके से तैयार होगी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। पर यहाँ पर हम रस्से वाली बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 मिर्ची डाली है हरी, ये ऑप्शनल है, पर इससे बहुत ही टेस्टी बनेगी ये सब्जी। और यहाँ मैंने 1 कप के करीब पानी डाला है और इसको अच्छे से 2 मिनट तक उबालेंगे, उसके बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए, अब इसका ढक्कन लगा देंगे हम इसे उबालने के बाद। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उससे पहले मैं याद दिला देती हूँ कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर एक सीटी आ गई है, बस एक ही सीटी लगाएंगे हम। और ये देखिए, हमारी सब्जी कितनी शानदार बनकर तैयार हुई है। थोड़ी सी देर हम इसे वापस से गैस चलाते हैं और इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी और थोड़ा सा इसमें डालेंगे 1 चम्मच मलाई। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस सब्जी में। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट इसको चलाते रहेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और इसको ढककर रख देंगे। उसके बाद देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार मेरे तरीके से आप लोग ये जरूर बनाइएगा। ये देखिए, अब देखिए हमारी सब्जी तैयार है, बहुत ही शानदार सी आलू गोभी की सब्जी। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, मेरी फैमिली में तो सभी को पसंद आई। 1 रोटी की जगह 4 रोटी खाएंगे सभी, इतनी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है, झटपट।